अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। मैंने अभी जमात अकमल चैनल देखे हैं करीब का जुम्मन। आई होप दैट यू आर फाइन। आई थी दी मैच टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2024 मैच नंबर 49 इंग्लैंड विद यूएसए। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और यूएसए को पहले बैटिंग करने की दावत दी, तो यूएसए की पूरी टीम 115 रन बना के 18.5 ओवर में ऑल आउट हुई। नीतीश कुमार 30, कोरी एंडरसन 29 और हरमीत सिंह ने 21 रन बनाए। इंग्लैंड की जाने से क्रिस जॉर्डन ने 4, अजय राशिद ने 2 और सैम करन ने 2 विकेट हासिल की। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 116 रन का टारगेट 9.4 ओवर में बगैर किसी नुकसान से पूरा किया। जॉस बटलर 83 रन का नॉट आउट रहे और फिल शॉट 25 रन का नॉट आउट रहे। यूएसए की जानब से इंग्लैंड की जाहिर से बात है कोई भी आउट नहीं हुआ, तो यूएसए का कोई भी बॉलर एक भी विकेट हासिल नहीं कर सका और यूँ इंग्लैंड ने ये वाला मैच भी जीत के अच्छे रन रेट से जीत के जो है वो आगे आई थिंक वो सेमीफाइनल के लिए अपनी जो है वो उम्मीद राइट कर दी है। हो सकता है कि सेमीफाइनल में ये पहुँच भी गए हों। इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने पहले इससे पहले वेस्ट इंडीज़ को हराया था। साउथ अफ्रीका से ये 7 रन से हारे थे और अब इन्होंने यूएसए को भी हरा दिया है और प्लेयर ऑफ द मैच भी है वो आदिल रशीद हैं। अच्छी बॉलिंग की है और क्रिस जॉर्डन ने इस मैच में हैट्रिक भी की है। ठीक है जी, इससे पहले जो मैच सुबह खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, उस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने हैट्रिक की और इस मैच में क्रिस जॉर्डन ने हैट्रिक की। पैट कमिंस ने इससे पहले जो उनका बांग्लादेश मैच था ना, ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश के साथ, उस मैच में भी पैट कमिंस ने हैट्रिक की थी। तो पैट कमिंस ने 2 बार हैट्रिक की और आज इस मैच में क्रिस जॉर्डन ने हैट्रिक की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और माजरत के मैं बड़ी देर से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरी कोई मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं जो है ना वो अपनी वीडियो जो है वो लेट हो गई है। तो मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। तो थैंक यू ऑल, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, आप और मैं बहुत बहुत ख्याल रखिए।